कोटा के किशोर सागर तालाब पर आज एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने और तैयारियों का डेमो दिया। मानसून में कोटा के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। कोटा चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ऐसे में लगातार बारिश के बाद चंबल उफान पर आती है और नदी नालों के पानी की वजह से कई इलाके पानी से भर जाते हैं। हर साल रेस्क्यू टीमें लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से दूर ले जाने का काम करती है। अगर इस साल भी बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो रेस्क्यू टीमें कितनी तैयार है? एडीएम सिटी ने बताया कि किशोर सागर तालाब पर प्रेमनगर इलाके का एक सीन क्रिएट किया गया है। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ साथ ही निगम की टीमें इस मॉक ड्रिल में शामिल हुई है। टीमों ने सफलतापूर्वक लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बचाया। बचाव कार्य में काम आने वाले उपकरण कितने तैयार हैं उनको भी देखा गया। एनडीआरएफ की 8 टीमें पूरे आड़ोती में, दो टीम है बारा में, दो टीम झालावाड़ में, दो टीम कोटा में, यही बाढ़ बचाव का ही कार्य कर रही है। और ये टीम 22 जून से तैनात कर दी गई है हमारे एसडीआरएफ कार्यालय द्वारा और ये बाढ़ रेस्क्यू के लिए कार्यरत है। जैसा आपको पता है कि मानसून राजस्थान में आ चुका है, हमारा कोटा जिला बाढ़ प्रभावित जिला है। हम लोगों ने आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे सिविल डिफेंस के साथ मिलकर के एक मॉक ड्रिल किया है कि अगर बाढ़ आ जाती है तो हम किस तरह से जान और माल की हम रक्षा कर सकते हैं। हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बहुत अमूल्य है। एनडीआरएफ की टीम ने एक मॉक ड्रिल में प्रेमनगर नाम का गांव बनाया और वहां पर 17-18 आदमी जो डूब रहे थे उनको किस तरह से रेस्क्यू किया, वो मॉक ड्रिल आज हमने यहां करवाई है। किशोर सागर पर फ्लड की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें 6 बटालियन एनडीआरएफ के कमांडेंट श्री बीबीएन प्रसन्ना कुमार और कोटा एडमिनिस्ट्रेशन के डीएम और एडीएम सर और पुलिस, जिसमें सभी एजेंसियां यहाँ के लोकल जो हैं, जिसमें सिविल डिफेंस है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, नगर निगम है, ये सभी एजेंसियों से मिलजुल के आपसी तालमेल बना के कि यदि ऐसी आपदा आती है तो हम उससे किस प्रकार निपट सकते हैं, हमारी तैयारियां क्या हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन क्या है, इन सबको चेक किया गया।